अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब हैरियत से होंगे और आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो आज हमारे घर आई है एक चुड़ैल एक चुड़ैल आई है हमारे घर। आपको पता है पिछले दिनों में उसकी शादी हुई है, मैंने आपको उसे शेयर भी किया था। तो आज वो सडनली हमारे घर आई है और उसको हमने पकड़ लिया, उसको हमने बोला कि हमें ट्रीट दो भाई शादी की। तो आज वो हमें लेके जा रही है भाई किसी रेस्टोरेंट में। आज हम इंशाल्लाह भाई जाएंगे तारी करने के लिए। ये भिजा वगैरह कर रही हैं, बस हम 5 मिनट में निकलने लगे हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और वो दोनों भी रेडी हो चुकी हैं और अभी हम बस घर से निकलने लगे हैं। रोज़ा खुलने में अभी तो आप लोगों को पता है कि टाइम है तकरीबन 1 घंटा है, लेकिन हमने सोचा कि हम टाइम से निकलते हैं ताकि अफ्तार टाइम तक हम वहाँ पर पहुँच जाए। तो चलें अभी हम निकलते हैं वहाँ जाके, देन आप लोग उससे मिलते हैं। अभी हम रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल गए हैं। इन दोनों को बड़ी जल्दी आगे आगे चल रही हैं। रुक जाओ, मुझे भी साथ ले लो। यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हमने सोचा कुछ होता कि हम किसी और रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन ये इसको यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। हमने सोचा खाना तो डेली खाते हैं, आज कुछ डिफरेंट चीज़ों से रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो हम आए हैं चिक्स पिज़्ज़ा पे। यहाँ पे हम अब हम देखे जाके क्या ऑर्डर करते हैं। यहाँ से यहाँ पे सीटिंग पता नहीं है या नहीं, चले अंदर जाके देखते हैं। हम है सीटिंग ओके। तो गाइज हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे फाइनली सीटिंग थी। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ है, बहुत अच्छी जगह है ये। गॉड, हम एक चुड़ैल के साथ आए हैं और यहाँ पे क्या हो गया यार। हम तो आए भी चुड़ैल के साथ थे, वो चुड़ैल के साथ तो लाइट चली गई। यहाँ पे इसने कोई जादू किया है, इसने यकीनन कोई ना कोई जादू किया है। तो लाइट चली गई है। आप जी रमजान पैकेज के फास्ट फूड के नाम, इधर कोई रमजान पैकेज नहीं आप लोगों ने रखा? ओके, यहाँ पे रमज़ान पैकेज भी नहीं है और हमें भी ये फास्ट फूड वगैरह ही ऑर्डर करना पड़ेगा। गाइस खाना वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर हमने ये वाली डील मंगवाई है जिसमें हम 2 पिज़्ज़े लेंगे और बर्गर लेंगे, फ्राइज़ वगैरह लेंगे। ठीक है, यही कर दें आप ये वाले। आपकी दोस्त आपसे मिलने आई है, आप अपनी दोस्त के बारे में कुछ कहो ना। आज देखो वो हमें ट्रीट भी देने लगी है। ये ना काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई हुई थी, इसकी दोस्त की शादी हो गई है ना, तो आपको पता है फिर जुदाइयाँ पड़ गई इनमें तो अब आप आपको कैसा लग रहा है कि वो आपके साथ बैठी है? अपनी मतलब फीलिंग का इजहार करें, क्या कहना चाहेंगी आप? आपसे पूछ रही हूँ, आप दोनों बता दें क्या आप कहना चाहेंगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जुदाइयाँ कैसी पड़नी है, मतलब एक लॉजिक है ज़िंदगी का, शादी तो होनी होती है। वाह 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 वाह, क्या बात करी आप। अच्छा आप क्या कहेंगी अपनी दोस्त के बारे में? सोमा ने तो बता दिया ना, आप भी बताएं ना। अब इफ्तारी में बहुत ज़्यादा गाइस टाइम है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे बैठ के रोज़ा ही लगना है हमें। तो मैं इनकी फीलिंग्स पूछ लेती हूँ, बताएं। चल नहीं 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 आप बताए। अच्छा वो कह रही है आपको मेरी फीलिंग पता है, आपको इसकी फीलिंग पता है? क्यों आप गूंगी हैं? ये गूंगी है। क्यों आपको देख इतनी खुश है कि खुशी के मारे उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे? चलें जी, आप सभी इनको दुआएं दें अपने, अल्लाह ताला इनकी दोस्ती ऐसे ही कायम रखें। उसको खिला दो, ऐसे ही खिला दें। ये फीटर समझ के पी लो, फीटर समझ के पी लो, कोई बात नहीं है यार। ये छोटा सा बच्चा है तुम्हारा, इसको फीटर पिलाओ, फीटर पिलाओ, इसको अपना बचपन ही याद आएगा। नहीं नहीं बचपन, मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा दूध पिया है। बहुत ज़्यादा सैड, इन्होंने मेरे दांतों की बेइज्जती कर दी है। मैंने तो वैसे ही बोला था कि मैं फीटर पीती रही, अब भी फीडर नहीं पीती रही, मतलब बचपन में बहुत फीडर पिया है। तो इसने मुझे बोला आप फीडर पी के ना तुम्हारे दांत ऊंचे हो गए। ऐसा भी होता है भला, कितनी पागल है ये लड़कियाँ, पागल है। बात तो सही है। हमारा ऑर्डर आ चुका है, रोज़ा अफ्तार होने में भी अभी 2 मिनट रह गए हैं। ये तो बहुत ठंडे हैं, एक्सक्यूज मी, ये सारा कुछ ठंडा है। हाँ जी, बर्गर गर्म कर दें। मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये पिज़्ज़ा बर्गर इससे कौन रोज़ा इफ्तार करता है? हम थोड़े से रोज़ा इफ्तार करने के बाद हम सिरप पी लेंगे स्टमक वाला,
चलें ठीक है ठीक है। चलें गाइस अभी हम रोज़ा अफ्तार करने लगे हैं, तो आप लोग भी रोज़ा अफ्तार कर लें, और जब तक आप लोगों को व्लॉग मेरे हाथ से देखने को मिलेगा तब तक सहरी का टाइम हो जाएगा, और आप लोगों ने कहना है सहरी में पिज़्ज़ा खा रहे हो बर्गर खा रहे हो, तो लेकिन अभी हम ये अफ्तारी टाइम बना रहे हैं, तो चलें रोज़ा अफ्तार करें आप लोग भी और हम भी रोज़ा अफ्तार करते हैं। ये दो पिज़्ज़े हमने मंगवाए थे, डील मंगवाई थी हमने दो पिज़्ज़े थे, ये एक पूरा इसने खाया और ये भी इसने खाया, और इसने से बर्गर खाया थोड़ा सा। कितना पिज़्ज़ा पसंद है तुम्हें? गाइस मैं बहुत ज़्यादा खा चुकी हूँ और मेरा पेट फुल हो चुका है, क्योंकि मैंने एक पूरा बर्गर खाया, फ्राइज़ खाया, पिज़्ज़ा खाया। अल्लाह करे ये नदीदियों की नज़र मेरे खाने में थी, अल्लाह करे मुझे हजम हो जाए। तो सजील आ गया हमारा एक और मेहमान अचानक जी, आए जी आए हमारी इफ्तारी का हिस्सा बने, अचानक हमारी इफ्तारी का हिस्सा बनने वाला मेहमान, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए होए होए, थोड़ा मुंह खोल ले जी। सजील साहब आपको आगे हमारी इफ्तारी का हिस्सा बन के कैसा लगा है? बस करें काम, क्यों नहीं खाता जान दिया बस नहीं। ये देखें इसने, ये ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं गाइस, ये पिज्जे पिज्जा इसने खाया, सारी चीज़ें उतार के खाई, क्या तुम्हें स्वाद आया इसे खाने का? हाँ दसो, तो और भी की करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब ये नहीं करते सब्सक्राइब। ये पानी के भी पैसे थे? अल्लाह रोजे में रोजेदारों का एहतराम करते हैं, रोजेदारों का एहतराम करें यार। अब हम गाइस वापस आने लगे हैं, तो आप लोगों से मेरा लास्ट पे यही मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या हो सकता है भला, क्या हो सकता है? काइंडली मेरी आपके लिए तहे दिल से गुजारिश है कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जी जी, ये पेमेंट होने लगी है अभी, करें जी करें, करें जी करें, हमें फ्री का खा के बड़ा मजा आता है जी। गाइस हम जा रहे हैं अब घर वापस, यहाँ से हम सीधा जाएंगे, रास्ते में हमारी एक आपी हैं, उनका घर आता है और इस चुड़ैल ने उनसे मिलना है, उनसे मिलेंगे देन हम अपने घर जाएंगे, हम घर जाएंगे, घर जाके चेंज करेंगे, चेंज करके नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के तरावी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह सहरी के लिए उठना है। अगर गाइस अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।